जहर? ये आप क्या कह रही हैं माँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। नैना, तुम खुद बता दो ना रेहान को कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया। बहुत हो गया, अब तो पानी सर के ऊपर बह रहा है। खाने में जहर? मेरी नैना जहर क्यों मिलाएगी खाने में? हाँ सासू माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपने पति को जहर वाला खाना क्यों खिलाऊंगी? और ये खाना तो हम सब खाने वाले हैं ना। अगर मैंने रेहान को मारने का कोई ग्रैंड प्लान बनाया होता तो मैं ये जहर वाला खाना आप सबको देती, आप सबको मार डालती एक साथ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है नैना, मेरा काम है। क्योंकि तुम्हारे इस विक्षिप्त स्वभाव को समझना मेरे बस की बात नहीं है। तुम कब क्या कर बैठती हो ये मुझे पता ही नहीं चलता। जैसे अब इस खाने में तुमने जहर मिलाया है। आपसे किसने कहा कि नैना ने खाने में जहर मिलाया? मैं तुमसे कह रही हूं रेहान, और मैं ये बात साबित करूंगी कि नैना ने इस खाने में जहर मिलाया है। अगर इस खाने में जहर नहीं है तो इसे खाने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना? है ना? ये क्या बचपना है? अगर ये मेरा बचपना है या अगर मुझसे कोई गलत फहमी हुई है तो कह दीजिए नैना से कि वो मुझे गलत साबित कर दे। और अगर मैं गलत हुई तो सबके सामने हाथ जोड़ मैं नैना से माफी मांगूंगी। ठीक है ना? बस सासू माँ, आपकी माफी का इंतजार है। इस रोज रोज के तमाशे से मैं थक चुकी हूँ। मैं क्यों करूंगी ऐसा अपने परिवार के साथ? और खुराना खानदान का भरोसा जीतने के लिए मुझे और क्या करना होगा? आप कह रही कि मैंने खाने में जहर मिलाया, आप सभी ने देखा ना, मैंने अभी अभी ये खाना खाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ऐसी कैसी हूँ? और कितनी अग्नि परीक्षा देनी होगी मुझे ये साबित करने के लिए कि मेरे मन में इस परिवार के खिलाफ कोई भय नहीं है। रेहान प्लीज, इस लड़की की बातों में बिल्कुल मत आना। झूठ बोल रही है ये लड़की, ये इसका षड्यंत्र है। ये जो भी दिख रहा है ना, ये इसका बिछाया माया जाल है बेटा। इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। बस मैं झूठ क्यों बोलूंगी सासू माँ? और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? दिन रात आप मुझ पर गंदे गंदे आरोप लगाते रहते हैं। मैं कितना भी क्यों ना कर लूं, इस परिवार के लिए काफी नहीं है। शायद आप मुझे कभी अपना नहीं पाएंगे। आपने कैसे कह दिया कि मैंने इस खाने में जहर मिलाया? आपकी प्रॉब्लम ये खाना है ना, मैं इस खाने को अभी ठिकाने लगाती हूँ। मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। आप लोग मुझे कभी नहीं अपना सकते, नहीं अपना सकते मुझे। नैना, स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम? स्टॉप इट। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आप लोगों ने मुझे कैसे नर्क में भेज दिया था? मेरे पैरों को देखिए, कितने अत्याचार हुए मुझ पर। मेरे हाथों को देखिए। फिर भी मैं सब कुछ भुलाकर, अतीत को पीछे छोड़कर इस परिवार को एक दूसरा मौका देना चाहती थी। पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं चाहे कितना भी क्यों ना कर, मेरे प्यार को यहाँ साजिश ही माना जाएगा, है ना सासू माँ? दादी मुझे यहाँ नहीं रहना, नहीं रहना मुझे यहाँ। मैं चाहे कितना भी क्यों ना कर लूँ इस परिवार के लिए, मुझे यहाँ दर्द और अपमान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा दादी। एक भी और आंसू नहीं बहाएगी तू, कोई जरूरत नहीं है किसी को सफाई देने की। जा अपने कमरे में जा, आराम कर, मुझे इन लोगों से बात करने दे। हे भगवान, जितना मैंने सोचा था ये नैना तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली। कैसे सारा खाना बर्बाद कर दिया। अब मैं कैसे साबित करूंगी कि इसमें सच में जहर मिलाया था? और अब ये बुढ़िया नैना को अंदर भेज रही है,
ताकि इसका सच सामने ना आ जाए। नहीं, जब तक जहर अपना असर नहीं दिखाता, नैना को यही सबके सामने रहना होगा। एक मिनट माता जी, नैना को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी कहना है नैना के सामने कहिए। सासू मां बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। नैना कहां जाएगी, क्या करेगी, इसका फैसला लेने का आपको कोई हक ही नहीं है। बेहतर है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें। नैना पुत्र, जा अपने कमरे में, जा जा अपने कमरे में। लेकिन दादी। जा, मैं कह रही हूं, जा अपने कमरे में। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी कहने की, क्योंकि अब ये रोज रोज का चक्कर हो गया है। तुम सॉरी कहते हो, सब लोग सब कुछ मानकर भूल जाते हैं, और जैसे ही सूरज ढलता है शाम के वक्त, आपकी माँ फिर से शुरू हो जाती हैं, एक नया इल्जाम लगाती हैं मेरी नैना पर। कब तक इस तरह अत्याचार करोगे आप मेरी बच्ची पर? और अब तो आप लोगों से बहस करने की भी ताकत नहीं है मुझमें। प्लीज इतना बता दीजिए कि आप लोग कब बाज आएंगे इन हरकतों से। एक्सक्यूज मी, ये सवाल जाकर आप अपनी पोती से पूछिए, क्योंकि ड्रामा हम नहीं आपकी पोती नैना करती है। देखा 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 मैं क्या कह रही थी, बस बहुत हो गया। आप लोग हर पल अपना बर्ताव किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बार बार बदल सकते। आज ही रेहान ने नैना को अपनी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डायरेक्टर बनाया, और आज ही हरजीत जी नैना पर खाने में जहर मिलाने का इल्जाम लगाती है। क्या हो रहा है? अगर आप लोग नहीं चाहते कि नैना यहाँ रहे तो साफ साफ कह दीजिए ना, हम अभी चले जाएंगे यहाँ से। अगर आपको जाना है तो जाइए ना, हर काम आप हमसे पूछ के थोड़ी ना करती है। देखिए, आपका अपना घर है, आपका अपना परिवार है, अपने बच्चे कुछ दिन अपने परिवार वालों के साथ क्यों नहीं बिताती आप? हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम यहाँ से। दादी दादी रुक जाइए प्लीज। देखिए दादी, मैं जानता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा सॉरी कहना काफी नहीं है, लेकिन आप बड़ी हैं, है ना, तो हमें बच्चा समझकर आप हमें माफ कर दीजिए ना। प्लीज प्लीज रुक जाइए, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप यही रहिए हमारे साथ, हम सब इस घर में साथ में रहेंगे। जो कुछ हुआ सो हुआ, भूल जाइए ना, जस्ट मूव ऑन प्लीज। ये बात आप अपनी माता जी को समझाइए। सुधा भाभी, हमें एंटरटेनमेंट के लिए किसी थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है। इस घर में इतना एक्शन पैक्ड ड्रामा होता रहता है, ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर। आई नो। वैसे तुम्हें लगता है अरजीत जी झूठ बोल रही थी? आपको अभी भी डाउट है? मम्मी जी कह रही है तो सच्ची होगा ना? आई तो ट्रस्ट मम्मी जी, एब्सोल्युटली। रियली पैम, हां माँ की बातों पर तुम्हें कब से इतना भरोसा होने लगा, और अचानक ये आज्ञाकारी बहू का अवतार तुमने कब लिया, ये तो बताया नहीं तुमने मुझे। वेल यू सी, अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड हरजीत पे इतना भरोसा कर सकती हैं, तो मैं अपनी मम्मी जी पे तो भरोसा कर ही सकती हूँ ना। आई लव माई मम्मी जी, माई मम्मी जी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके कम ऑन, प्रूव इट, खा के दिखाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कम ऑन। आई सेड ईट। यू आर मैड सुधा भाभी, फर्श पे गिरा खाना मैं खाऊंगी, पागल हो गए हो क्या? ओह गॉड, क्या कर रही हैं आप? I knew it, मुझे पता था। क्या पता था? मैंने ये ज्वेलरी बैग सुबह देखा था। तुम कितनी सफाई से झूठ बोल गए ना, ये तुम्हें बलराज के टिफिन के लिए लेकर आई हूँ। झूठी कहीं की? सच तो कहा था कि वो बलराज के टिफिन के लिए था वो बैग, और ये जो सॉलिटेयर आपको दिख रहा है ना, ये तो नकली है, नकली। Now really Pam, seriously, मैं अंधी नहीं हूँ, और नकली और असली हीरे के बीच में फर्क मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ओके नाउ कम ऑन, जल्दी सच बताओ।
इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास हैं? एक मिनट, मदन और मैं हरजीत जी से रोज पैसे उधार ले रहे हैं किसी तरह से अपनी लाइफ काटने के लिए। एक मिनट, और तुम यहाँ पर एक्सपेंसिव डायमंड्स खरीद रही हो? क्विकली टेल मी द ट्रूथ, जल्दी बताओ। नीचे करो। माँ पैसे दे रही है ना तुमको, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। बकवास मत करो, जल्दी सच बता दो वरना अच्छा नहीं होगा पैम। आई एम वार्निंग यू। हाँ कौन मैं? अच्छा सुधमा भी आपको बुला रहे। मैं जॉन ले लूंगी तेरी पैम? नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। माँ रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। रेहान, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ? नहीं रेहान, नैना बहुत शातिर है, वो हम सबको पागल बना रही है। ये सब उसका रचा रचा हुआ खेल है और कुछ भी नहीं। माँ इट्स ओके, आप क्यों अपना खून जला रही है? इट्स ओके ना, रिलैक्स। अच्छा मुझे एक बात बताइए मुझे, हम दोनों ने क्या डिसाइड किया था हम दोनों ने कि आश्रम के इंसिडेंट के बाद आप बिल्कुल शांत रहेंगी, आप कुछ नहीं कहेंगी, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिससे आप दूसरों की नजरों में ना आए। माँ आप जानती है ना आपको जेल जाने से बचाने के लिए कितनी मुश्किल हुई है मुझे। आप बैठिए, आप इधर आइए मेरे साथ, आइए आप बैठिए, बैठिए बैठिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। देखिए माँ, आपके खिलाफ ऑलरेडी पुलिस में केस दर्ज है, ठीक है? आपके खिलाफ ऑलरेडी केस दर्ज है तो आपको ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा नैना ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी ना और ये केस दोबारा उभर के सामने आया कि अगर आपने नैना पे फिजिकली या मेंटल टॉर्चर किया तो आपको पता है इसकी सजा कितनी लंबी है। मां बहू पर टॉर्चर करने की सजा कम से कम 10 साल है, तो प्लीज मां, मां प्लीज आप ऐसे नैना को सबके सामने टोका मत कीजिए, उसे आप दूर रहिए, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे वो गुस्सा हो जाए और आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हुआ ना मां मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। I'm saying this. I don't care. मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन अब मैं ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उस खाने में नैना ने जहर मिलाया था। Oh God, माँ आप ये क्यों भूल जाती हैं कि नैना मेरे बेटे को दूध पिला रही है? वो जहर वाला खाना क्यों खाएगी? वो नैना, वो माँ नैना ऐसा काम कभी नहीं करेगी। वो हां से बहुत प्यार करती है, हमसे नफरत करती है, आई नो इट, लेकिन सिर्फ ये प्रूव करने के लिए वो जहर वाला खाना नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसा किया तो आहान की जान को खतरा हो सकता है। वो आहान की जान को कभी खतरे में नहीं डालेगी। आपने देखा ना प्लेट में जितना खाना था वो सब खा गई। अगर उस खाने में जहर होता तो उसका कुछ तो असर नैना पे होता ना माँ। माँ लिसन टू मी, आप मुझसे वादा कीजिए, प्रॉमिस दैट आप इस सब मामले में नहीं पड़ेंगे, आप नैना से दूर रहेंगी, जो हुआ उसे भूल जाइए प्लीज। माफ एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि मां अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। एटलीस्ट फॉर माई सेक स्टे अवे फ्रॉम नैना, प्रॉमिस मी, वादा कीजिए मुझसे। थैंक यू मां, प्लीज काम डाउन, प्लीज रिलैक्स, ओके? बहुत अच्छा दाव खेला है तुमने नैना, लेकिन शायद तुम ये भूल गई हो कि जिस खेल की शुरुआत तुमने अभी अभी की उस खेल की मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूं। मेरा बेटा तुम्हारे इस मुखौटे को नहीं देख पा रहा है क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं वादा करती हूं कि तुम्हारा ये असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। हाँ, रेहान के सामने जरूर लेकर आऊंगी और ये साबित कर दूंगी उसे कि उसकी बीवी इतनी सीधी साधी नहीं है जितना वो दिखाने की कोशिश कर रही है। ये मैं वादा करती हूं तुमसे रेहान, अब नैना तू मुझसे नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। तो छोटू मुझे माफ कर दे, मैं वो खाना नहीं खाना चाहती थी, अगर मैं नहीं खाती ना तो सबको मेरा प्लान पता चल जाता। छोटू कभी ये मत सोचना कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, तुझे तकलीफ पहुंचाने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। तुझे पता है ना छोटू, कल तक मेरे शरीर में से ना सारा जहर निकल जाएगा, अभी के लिए तू इस बोतल से दूध पी ले, ओके? गुड बॉय।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप तो बड़ी शातिर खिलाड़ी निकली, खेल को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले गई है। खेत, क्या बकवास कर रही हो? मस्त खेल खेला और किसी को तुम पे शक भी नहीं हुआ। तुम अपना कीमती वक्त यहाँ क्यों बर्बाद कर रही हो? जाओ ना, अपनी फेक पेशेंट को उसकी फेक ट्रीटमेंट क्यों नहीं देती? ऐसा घर ना मुझे आज तक नहीं मिला और यहाँ काम करने का ना मजा ही कुछ और है। ठीक है, तुम करो अपना ये नाटक जारी। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि मेरी नजर 2400 घंटे तुम पे रहेगी। समझी? तुम्हारी तो कंप्लेंट्स भी एक जैसी है। तुम्हें भी ये लगता था कि इस घर में तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है ना? कमाल है ना, वही आदमी, वही परिवार, वही कंप्लेंट्स। गॉड, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी एकदम कमाल है ना। दादी दादी सुनिए ना, ओ यू नो मैं यहाँ क्या कर रहा था? नहीं, मुझे जानने का शौक भी नहीं है। अरे दादी सुनिए ना, सुनिए, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं एक्चुअली नैना और आना को कंपेयर कर रहा था। सी, दिस इज आना। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, यू नो, फेस एंड पेरेंट्स एवरीथिंग, बट बहुत सिमिलैरिटीज भी है दोनों में। पता है दादी, ये आहना ने इस बच्चे को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया उसने, लेकिन फिर भी माँ होने का जो वो सुख होता है ना, वो बेचारी महसूस नहीं कर पाई। और दूसरी ओर ये नैना है, आई नो इसने भी इस बच्चे को पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया, लेकिन आज इसके पास बच्चा भी है, यू नो, बच्चे का बाप भी है, सब खुशियाँ, इतना बड़ा घर, बट स्टिल शी इज नॉट हैप्पी। यू टेल मी व्हाई। ये सवाल दूसरों से पूछने के बदले अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो। ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मेरी नैना आज खुश नहीं है? अंदर झांक के देखो, हो सकता है तुम्हें जवाब मिल जाए। इनसाइड, पर शायद तुम्हें ये बात किसी ने सिखाई ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्हें आप कचरे की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वन मोर लाख टके की बात कही दादी ने। मैम, आपके लिए कॉर्नफ्लेक्स लेके आई हूँ। ये लीजिए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुमने खुद अपनी आंखों से नैना को खाने में जहर मिलाते हुए देखा था? यस मैम, और दादी को ये भी कहते सुना था कि उस पॉइजन का असर फास्ट फास्ट होना चाहिए। कम ऑन, अगर ऐसी बात है तो नैना ने तो पूरा खाना खा लिया था, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। वही तो मैम, जो भी नैना ने खाना खाया था उसने उल्टी करके सब निकाल दिया। क्या नैना ने खुद ये बात तुमसे कही जब तुम उसके साथ नर्सरी में बात कर रही थी? ओ गॉड, मैम आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, क्यों ना करूँ शक। मैम, मैं अपने मॉम डैड की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयर्स के साथ कभी धोखा नहीं करती, और जिनका नमक खाती हूँ मैं उनके साथ वफादार हूँ। मैम मैम, आपकी बहू बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। मैंने आज उसे खुद देखा कि वो बेबी को बॉटल से दूध पिला रही थी, और ये भी कहते सुना कि वो जहरीला खाना खाने के बाद बेबी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन मैंने तुम्हें नैना के साथ बात करते हुए देखा था। अगर आपने सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा है मैम, तो मुझ पे क्यों शक कर रही है? ओ, शायद आपने हम दोनों की बातचीत नहीं सुनी, राइट? मैम ट्रस्ट मी, मैंने नैना को रंगे हाथों पकड़ा था, और मेरे 2 सवाल करने के बावजूद वो मुझ पे चढ़ गई,
अब मुझे कहने लगी माइंड योर ओन बिजनेस। ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैम, मैं फ्लोरेंस डिसूजा आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं आपसे ही वफादार हूँ, और आज के बाद नैना कोई भी चाल चलेगी वो सबसे पहले मुझसे होके गुजरेगी, और अगर वो आपके लिए फ्रूट्स भी लेके आएगी ना तो उसे सबसे पहले मैं चखूंगी और चेक करूंगी कहीं उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस, थैंक यू सो मच फ्लोरी। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारे रूप में एक शुभचिंतक मिल जाएगा। और आपकी ये शुभचिंतक आपके लिए कुछ भी करेगी, आप बस हुक्म कीजिए। नैना के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? यस, थैंक यू सो मच। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।